आपके मंच पर ऐसी व्यक्ति आती है और नारे देते हैं, उसका मतलब आपने इस देश में जहर घोल दिया है। उनके पार्टी के एक नेता जो महाराष्ट्र के है, उसका नाम क्या है, कल वो बात कर रहे थे कि हम 15 करोड़ है, 15 करोड़ है, पठान वारिस पठान, ये आपकी पार्टी के नेता है ना। आप कहते हो हम 15 करोड़ है, हम सड़क पर उतरेंगे। आप मुसलमानों को, इस देश के मुसलमानों को बार बार गुमराह कर रहे हो, जहर घोल रहे हो। आपको ये ठेका किसने दिया इस देश के मुसलमानों का? महाराष्ट्र में आपको कौन पूछता है? फिर अगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया तो देखो हम भी जवाब देने के लिए काबिल। ठीक है, हमारी सरकार है, हम संयम से बात लेते हैं, लेकिन महाराष्ट्र का मुसलमान पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ खड़ा है। और आपको ये अगर अच्छा नहीं लगता तो जिस भाषा में आप चाहते हैं हम जवाब देने के। प्रकार की भाषा तो ओबीसी के भाई ने भी की थी हैदराबाद में, उसको भी हमने जवाब दिया था। हिंदुस्तान में अपने पार्टी का अस्तित्व क्या है? आप मुसलमानों के नेता नहीं है, आप एक गुट के नेता हो सकते हैं, वो भी आपके साथ नहीं है। मैं मानता हूं इस देश का मुसलमान समझ चुका है कि ये सभी नेताओं ने मिलकर उनके लिए एक ऐसा गड्ढा खोदा है, उसमें डाल रहे हैं। लेकिन अब हमने देखा है देश का मुसलमान बहुत ही संयम से काम कर रहा है, खास करके मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा।